वैसे आज के दौर में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि समय और परिस्थिति ये दोनों किसी के भी हाथ में नहीं है। क्या पता आपके साथ कब कौन सी घटना घट जाए या फिर आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ पिछले 15 दिन पहले। हाँ, ये जो मुस्कुराते बालक को आप देख रहे हो ना, ये कोई और नहीं बल्कि हम हैं। अब सवाल उठता है, भाई हम कौन? तो बताता हूँ, उससे पहले जरा इस सुंदर से और छोटे से सफर के दृश्य को एंजॉय करिए। तो इस छोटे से सफर की कहानी की शुरुआत होती है कुछ यहाँ से, जहाँ आपको हम कंधे पर एक बस्ता लिए हुए मुस्कुरा रहे होंगे। और ये जो हेलमेट लगाए व्यक्ति को आप देख रहे होंगे, ये कोई और नहीं हमारे पिताश्री हैं, जो हमें सरकारी बस तक ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। हमें तो भाई साहब काफी मजा आ रहा था, पीछे बैठ कर नहीं बल्कि अपने पीछे छूटते लोगों को और चीजों को देख कर। अब मैं समझ पा रहा हूँगा कि आपकी बेताबी आपसे संभालने नहीं जा रही होगी कि आखिरकार ये बालक कहाँ जा रहा है। तो आपकी बेताबी को यानी कि आपके सब्र की बांध को तोड़ते हुए आपको बता दें तो हम जा रहे हैं, यानी कि ये बालक जा रहा है अपने जन्म स्थान पर यानी कि गांव। ऊंची ऊंची इमारतें जैसे मानो आसमान को छूना चाह रही हो। बस में बैठे लोगों की बस इस बात की धनक थी कि वह कब अपनी यात्रा को जल्द से जल्द समाप्त कर ले, क्योंकि आज की भागती दौड़ शहर में कौन किसका इंतजार करने वाला। आज हर किसी को जल्दबाजी है, हर किसी को इंस्टेंट रिजल्ट की इंतजार होती है। खैर, बातों ही बातों में हम आपको एक बात तो बताना ही भूल गए कि हमें बीच रास्ते में बस से ऑटो में स्विच कर दिया जाता है। तो सच कहूँ तो ऐसा हमारे साथ पहली बार हुआ कि चार पहिया वाहन से सीधा तीन पहिया वाहन में शिफ्ट हुआ हूँ। उस तीन पहिये वाहन में जगह के नाम पर केवल सेटलमेंट ही था कि मुझे अपने बस्ते को अपनी टांगों के बीच में दबाना पड़ रहा था। पर शायद प्रभु की लीला थी मुझ पर कि मुझे थोड़ी देर बाद आराम की अनुभूति प्रदान की जाती है, यानी कि मेरे टांगों पर से बैगों का जो बोझ था वो कम हो जाता है। अब देखते ही देखते बारी आती है सरकार के खातों को अपने पैसों से भरने की। लागे नहीं। तो उस तीन घंटे बस के सफर में बैठे बैठे शरीर को काफी कष्टों का अनुभव करना पड़ा। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़े फलों को खाकर उस कष्ट को दूर किया जाए। लागे नहीं। सो गाइस, फाइनली उतने सारे रूटों को कंप्लीट करने के बाद मैं पहुंचने वाला हूं अपने गांव। मेरे गांव से और मेरे घर तक पहुंचने तक दो पुल आते हैं, एक बड़ा पुल है और दूसरा छोटा पुल है। छोटा पुल वो पुल है जिसके थ्रू हम सभी जाते हैं अपने गांव। तो बड़ा पुल वो दूसरा जो दिख रहा है एकदम बड़ा सा, ये वो बड़ा पुल है जहाँ से
अमूमन हम सभी लोग आते हैं अपने गांव की तरफ इस रास्ते होते हुए। जो नहर है वो भी बढ़ चुका है, पानी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लागे नहीं कहियो, लागे नहीं कहियो। आपको गांव के नहर के पास आम का, पीपल का, बबूर का, इन सब का पेड़ दिखे या ना दिखे, इसका पेड़ जरूर देखे आपको। इन सब का पेड़ ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सारी अनवांटेड है। अब ये पता नहीं कि क्यों इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं, और इसे हम लोग गांव में पूरा नाम से जानते हैं। अभी उस पर आप देख सकते हैं कि सरसों की क्यारियाँ खिलखिला आ रही हैं। अभी नहर से होते हुए मैं जा रहा हूँ एक नाली से, मतलब इस मेड़ के पास, मेड़ से होते हुए। लागे नहीं कहियो। हम हथवा में ले गिर रही है। तो गाइस आज पहली बार मुझे अलग अलग तरीके से परोसा जा रहा है। यहाँ सब्जी अलग है, दाल अलग है, पनीर सब्जी अलग है, पूड़ी अलग है, भात अलग है, और प्लस पानी भी है। तो पहले इसे टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या हालचाल है सब्जी पूड़ी का। लागे नहीं कहियो, लागे।